हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मेक फॉर यू। और आज हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर न्यूमेरिकल लेक्चर टू करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल लेक्चर वन किए थे और अभी टू हो रहा है। जी, डे बाय डे हम लोग क्या करें, लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस समय लेवल टू का क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आप इससे पहले ये टाइप्स का वीडियो नहीं देखें, वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम पर इसके टाइप्स बताएं, अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर चेक कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसलिए आप चेक करें क्योंकि ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी समझ आएगा। और जब हम बनाएंगे क्वेश्चन तो लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि समझा हुआ पहले से रहेगा। तो प्लीज चेक कर लीजिए, बस 5 मिनट का वीडियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर लिमिट ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम आर 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 डिग्री सेल्सियस इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन। ठीक है, टाइप्स पहला टाइप्स में था ड्राई एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन, यानी पहला टाइप्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि इसका कुछ वीडियो देखे हो तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसका टी एस प्लॉट और पी एच प्लॉट कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड क्या करना है आपको, कॉफिशियन ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी फाइंड करना है। अंडर कूलिंग का कंडीशन नहीं है और इसमें क्या करना है हमको, अमोनिया का चार्ट नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर टेबल दिया हुआ पहले से है। एक चीज़ क्लियर हो गया है कि -10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ओके, ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या क्या टेबल दिया हुआ है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक दिया हुआ है। चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस नीचे वाला पोर्शन का दिया, यानी ये हो गया आपका T1 और T4 दोनों का टेम्परेचर दे दिया है और T2 और T3 का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब यहाँ बोला लिक्विड हीट, ठीक है, लिक्विड हीट का बात किया और किलो जूल पर केजी दिया, इसका मतलब इंथैल्पी दिया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये कब का इंथैल्पी दिया हुआ, ये तो ये कंडीशन हो गया आपका 2 और 3 का और ये कंडीशन हो गया 1 और 4 का। ठीक है, तो जब ये बात कर रहा था, ये क्या दे रहा है यहाँ पर 298.9, ये लिक्विड का बात कर, लिक्विड पोर्शन तो यहाँ होता है 2 फेज दूसरा पॉइंट पर, यहाँ होता है तो यानी HF3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये लिक्विड का पोर्शन पर है। ठीक है, तो यानी HF1 दिया हुआ है, यहाँ का बात क्लियर हो गया। ठीक, लेटेंट हीट का बात कर, लेटेंट हीट का बात करें मतलब कि ये 2 फेज जोन का बात हो रहा है, मतलब HFG1 किलो जूल पर केजी, यानी ये भी एंथैल्पी है और HFG1 का बात हो रहा है। ठीक है, HFG1 ये 2, 3 का है, मतलब ये HFG2 दिया हुआ है और ये HFG1 दिया हुआ है, बात क्लियर हो गया। अब इंट्रोपी का बात कर रहा है ये लिक्विड का, यानी इसका मतलब कि ये SF2 दे दिया है और ये SF1 दे दिया है। ठीक है, सारा का सारा डाटा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। चलिए इसे टेम्परेचर बोले T1 T4 का और उसको हम केल्विन में चेंज कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, और हमको पता होना चाहिए 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट होता है और 3 से 4 एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। देखिए एंथैल्पी कांस्टेंट है 3 से 4, ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करना है, सीओपी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, H1 - H3 H2 - H1, तो सबसे पहले H1 फाइंड करना होगा। ठीक है, और H1 का फॉर्मूला क्या होता है, HF1 + X1 HFG1। ठीक है, तो अब बात करते हैं, HF1 फाइंड हो जाएगा, HFG1 भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, पर X दिया हुआ है नहीं ना। एक्स फाइंड के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हम इंट्रोपी से हम लोग H1 X1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको पता है 1 से 2 इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो S1 = S2 हो गया। ठीक है, लिख लिए हम लोग, तो जैसा कि पता फॉर्मूला SF1 + X1 SFG1 = SF2 + X2 SFG2, क्लियर हो गया। ठीक है, S2 SG होता पर कब होता, जब आपका एच जी दिया रहता है, तो एच जी दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग SF2 + X2 SFG2 लेके चलेंगे।
ठीक है। और एच टू क्या करेंगे, 100% ड्राइनेस यहाँ पर कंप्यूटर ड्राइनेस होगा, ठीक है, इसलिए इसका वन हो जाएगा, एक्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या एस एफ जी वन दिया हुआ है कहीं, नहीं दिया हुआ है। क्या एस एफ जी टू दिया हुआ कहीं, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एफ जी वन की जगह एच एफ जी वन बाई टी वन लिख लेंगे और एस एफ जी टू को लिख लेंगे एच एफ जी टू बाई टी टू लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, चलिए आपको ये भी समझा देते हैं कैसे आई है फॉर्मूला, ठीक है। जैसा कि गिब्स फ्री इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, एच की एंथैल्पी हो गया, ये हो गया एंट्रोपी। तो जब गिब्स इक्वेशन जीरो हो जाता है तो हम इसको इधर लाएंगे तो डेल एच इक्वल टू टी डेल एस हो जाएगा, ठीक है, और डेल एस इक्वल टू डेल एच बाई टी हो गया एंट्रोपी का, ठीक है। चलिए उसकी जगह हम लोग एस एफ जी लिख सकते हैं, उसको एच एफ जी बाई टी लिख सकते हैं और एस एफ जी वन इक्वल टू एच एफ जी वन बाई टी वन हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, यानी हम इसके जगह पुट कर सकते हैं, एस एफ जी वन की जगह ये और ये पुट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब देखिए एस एफ वन पुट कर दीजिए, एक्स वन हो गया और एच एफ जी वन क्या होगा तो दिया हुआ है, ये भी पुट कर लीजिए और बाई टी वन कर लीजिए, टी वन भी दिया हुआ टेम्परेचर, पुट करने पर डिवाइड करने पर कुछ इक्वेशन ये आपका आ गया और इसका भी क्या हो गया पुट कर लीजिए, इसका भी इक्वेशन कुछ इस प्रकार आ गया। और ये तो एक्स टू वन है, इसका वैल्यू की कंप्लीट ड्राइनेस है, ठीक है, यहाँ पर तो कंप्लीट ड्राइनेस आ रहा है, ठीक है। तो एक्स टू क्या हो गया, वन हो गया, 100% का वन लिख लिए, ठीक है। और यहाँ एक्स वन का वैल्यू आ गया 0.91, क्लियर, ठीक। चलिए एच वन इक्वल टू एच एफ वन प्लस एक्स वन एच एफ जी वन हो गया, ठीक है। और एच वन इक्वल टू अब एच एफ वन निकल गया, एच एफ वन दिया हुआ आपका, ठीक है, और फिर क्या एक्स वन भी फाइंड हो गया, एच एफ जी वन भी दिया हुआ है, तो पुट कर लिया एच वन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एच टू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, तो एच टू हमारा क्या कहते हैं, एच जी तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे एच एफ वन प्लस सॉरी एच एफ टू प्लस एच एफ जी टू। और एक्स टू यहाँ पर क्या 100% था ड्राइनेस ड्राई था, इसलिए इसको वन हो जाएगा यहाँ पर इनटू करेंगे तो। अब पुट कर लीजिए तो ये कंप्लीट आपका इक्वेशन इस प्रकार आ गया। और बात करते हैं एस थ्री का, एस थ्री इक्वल टू एच एफ थ्री बताए थे, ठीक है, एस थ्री क्या हो गया, एस थ्री का एच एफ थ्री हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमको हम लिख लिए एस थ्री इक्वल टू एच एफ थ्री 298.9। अब सी ओ पी का सारा वैल्यू आपको आ गया हाथ में, ठीक है। अब सबको उठा कर पुट कर दीजिए यहाँ पर, वही एस थ्री को एच एफ थ्री ले लिए यहाँ पर, ठीक है, पुट कर लीजिए सी ओ पी आपका 6.8 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में लेवल फिर बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, तो वीडियो लास्ट में देखते रहिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।